एकदम से कोई के चले फादर जान दू कंपनी से आए हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी के हमारे नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इस समय मैं कल एक्चुअली मैं आ गया था यहाँ बुआ के। अपने काफ़ी सालों से नहीं आया हुआ था, 8-9 साल हो गए थे तब से मैंने इधर नहीं आया था। तो मैं सोचा कि चलो घूम लेता हूँ। एक्चुअली मैं जॉब साइट पे था तो मैं चला आया हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं बुआ के यहाँ हूँ। आज निकलूँगा मैं अपना मार्केट करते हुए, सीधे घर निकल जाऊँगा। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे बुआ का घर है। तो आइए देखते हैं हमारी बुआ क्या कर रही है। अभी तो फिलहाल कुछ कर रही थी। फाइनली मैंने नाश्ता कर लिया है, बुआ के पास बैठा हुआ हूँ। बुआ से अपने हम दरबार कर रहे हैं, आज काफी दिन हो गए। ये दिखाई दे बुआ है हमारी, बुआ के यहाँ काफी दिनों बाद आया हुआ हूँ। एक्चुअली मैं नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं हाँ अपने से बताता है है। तो क्या है, मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, 8-9 साल हो गए। तो हमने सोचा बुआ क्या घूम लो। तो एक्चुअली मैं ड्यूटी इधर की थी तो मैं चला आया हूँ। अभी फ़िलहाल हो गया चाय नाश्ता हो गया। अभी अब मुझे ड्यूटी के लिए भी निकलना पड़ेगा। कल मैं घर भी नहीं गया था तो आज मैं हो गया अपना ड्यूटी करते हुए सीधे घर निकल जाऊंगा। तो हमने कहा यार रीवा काफ़ी जावे नहीं घर गांव रविवार सैटरडे हो जाएंगे हम। तो बुआ के पास बैठ के दरबार कर रहे हैं। हाँ खाना बनी का है खाई ले है ना आई ले तो जा अच्छा से जाए बुआ है हमारी, बहुत इनोसेंट। अगर बुआ जब हट के तो अरे नहीं यार, बुआ हम आप चली हमारा बुआ जी थोड़ा हुआ है। भगवान के दिया सब कुछ, काहे टेंशन है बुआ। टेंशन वेंशन ना ले चाहिए कभी। खा कमाए तो नहीं आई हाँ ना, जिंदगी सबकी चलती है, सब चला रहा थे बुआ है। ये बुआ क्या हमारी सोच है दादू बुआ कब चली जाए ऐसा कुछ नहीं है। बुआ के काफी दिन हो गए थे यार, यहाँ किसी से मिला नहीं था। दो भाई भी हैं तो मैंने सोचा कि चलो कम से कम इसी बहाने एक दिन रुकने का मौका मिलेगा और टाइम बिताएंगे साथ में। ये कहो इधर ड्यूटी हो गई तो इसलिए आ गया, नहीं तो रीवा पे रहता रहा तो आप और कौन टाइम के नहीं जावा मिलता। ड्यूटी कराए अच्छा अब सीधे यहाँ से चिल्ला पचामा घर अरे फिर तो जहां ये जावा देखो देखो देखो, कौन है ये भाभी है देख लो। है कोई नहीं, परेशान ना हो ये भाभी है। हमसे मान लीजिए हो गया साथ ही में खेला है, बट ये कि थोड़ा सा 1 साल का बड़ा है हमसे। उनकी वाइफ है और एक भैया और है, कभी मिलवाते हैं सबको। तो आप बुआ के देख लो, फिलहाल बुआ हमारी गऊ है बेचारी एकदम से कोई के चले फादर जान दू कंपनी से आए तो कौन नहीं आए ना पर से बता नहीं होता है ना। तो पानी बहुत गिर रहा था जिसमें ना सारे कपड़े भीग गए, मैं भी तो भीग गया था। बट ये कोई दिक्कत नहीं, बट ये है कि कपड़े यार अभी तक सूखे नहीं हैं और मुझे फील्ड भी जाना है। पता नहीं सूखते हैं कि नहीं सूखते हैं, तो देखते हैं। फिलहाल अभी तो मान लीजिए कितने बजने वाले हैं, 7:30 समथिंग, 7 कुछ भी होंगे। फिलहाल अभी तो मान लो टाइम है, तो ये सारे कपड़े मेरे डले हुए हैं बट अभी सूखे नहीं है। तो अब देखते हैं सूखता है कि नहीं सूखता, नहीं तो यही पहन के जाना पड़ेगा। एक्चुअली मैं लाया तो हूँ नहीं, गीले पड़े हुए हैं, बस ये सूखने की देरी है इनको। धूप निकल आए तो सूख जाए। तोते तोते ना नाखून पकड़े देखो, चोंच मार रहा है। बोल दो बेटू, बोल लो, बड़े चौक नाखून है यार। बोल दो बोल दो बोल दो, बजा जल्दी से। आहा गजब, बेटू बेटू बुला लो, बेटू बुलाओ। ए महापुरुष देखो पैर उठाता नाखून छूटो बेटू बुला लो,
बुला लो, नाराज ना होना यार। बोल दो बेटू, बुला लो बेटू। बड़े गौर से देख रहा, डूफर हो।